नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिगामेंट ऑफ हम्फ्री एंड लिगामेंट ऑफ विल्सबर्ग के बारे में। ये दोनों ही लिगामेंट मेनिस्को फिमोरल लिगामेंट की श्रेणी में आते हैं और ये लैटरल मेनिस्कस मतलब आपकी जो बाहर की तरफ की गादी होती है उससे और आपके मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल की तरफ जाते हैं। इन दोनों का रिलेशन पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के संदर्भ में होता है और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के आगे की तरफ जो लिगामेंट आता है उसको हम लिगामेंट ऑफ हम्फ्री बोलते हैं। ये एक रेयर लिगामेंट है, सभी पेशेंट्स में नहीं देखा जाता है, कुल मिला के 10-20% पेशेंट्स में ही देखा जाता है। और लिगामेंट ऑफ विल्सबर्ग पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के संदर्भ में पीछे की तरफ आता है, मतलब उसके पोस्टीरियर होता है और ये ज्यादा देखा जाता है। इस लिगामेंट को ये लिगामेंट लिगामेंट ऑफ हम्फ्री की तुलना में मोटा भी होता है और ज्यादा प्रोमिनेंट भी होता है। अब एक बहुत ही अच्छी स्टडी थी सियोल से, उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो लिगामेंट ऑफ विल्सबर्ग है ये तीन तरह का हो सकता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 जो होता है वो मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल पे ही अटैच हो जाता है, जो टाइप 2 होता है वो PCL के प्रॉक्सिमल पार्ट में अटैच होता है और टाइप 3 जो होता है वो PCL के ही डिस्टल पार्ट में अटैच होता है। इन दोनों ही लिगामेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जब भी आप कोई सर्जरी करते हैं या कोई रिसेक्शन करते हैं तो इनकी पहचान होनी आवश्यक होती है। जैसे अगर आपको आगे का लिगामेंट जिसको हम लिगामेंट ऑफ हम्फ्री बोलते हैं ये कभी कभी डबल PCL साइन दे सकता है जो एक लॉक्ड बकल बकेट हैंडल टेयर में भी दिखाई देता है, तो कई बार हम उसको एक लॉक्ड बकेट हैंडल टेयर से कंफ्यूज कर सकते हैं जबकि उसमें बकेट हैंडल टेयर नहीं है और सिर्फ लिगामेंट ऑफ हम्फ्री के कारण ही डबल PCL साइन दिख रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदर्भ इन लिगामेंट का होता है विल्सबर्ग वेरियंट ऑफ डिस्कॉइड मेनिस्कस। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि डिस्कॉइड मेनिस्कस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों में होने वाली कंडीशन है जिसमें आपके बाहर की तरफ की गादी मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है और आपके घुटने में से आवाज आती है जिसको स्नैपिंग बोलते हैं। अच्छा, विल्सबर्ग डिस्कॉइड मेनिस्कस का जो वेरिएंट होता है इसमें जो है आपका जो मेनिस्कस है वो ऑलमोस्ट सेम साइज का रहता है, परंतु जो मेनिस्कस को जोड़ने वाला पीछे का लिगामेंट होता है जिसको पोस्टीरियर मेनिस्कोटिबियल लिगामेंट बोलते हैं या तो कोरोनरी लिगामेंट बोलते हैं वो नहीं होता है। इन पेशेंट्स में पॉपलिटियो मेनिस्कल फैसिकल्स नहीं होती हैं जिसके कारण से जो मेनिस्कस की मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और स्नैपिंग नहीं हो सकता है, मतलब वो जो मेनिस्कस है गति है बाहर वाली गति है वो अंदर बार करे और घुटने में से स्नैपिंग की आवाज़ आए जिसको हमारी भाषा में विल्सबर्ग वेरियंट ऑफ डिस्कॉइड मेनिस्कस बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि ऐसे केसेस में सिर्फ विल्सबर्ग लिगामेंट ही होता है, जो मेनिस्को फीमर लिगामेंट होता है वो ही जो पीछे की गद्दी है लैटरल मेनिस्कस है उसको पकड़ के रखता है, बाकी और कोई स्ट्रक्चर उसको पकड़ के रखता नहीं है। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, पर अगर आपके MRI में इस तरह का रिपोर्ट हुआ है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, परंतु अगर इसके बारे में आपको और कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।